फतेहपुर सिकरी से कुछ मीटर की दूरी पर जोधा बाई का प्रसिद्ध महल है। इस महल को अकबर ने अपनी पसंदीदा पत्नी जोधा बाई के लिए बनवाया था, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अकबर द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे राजपूत राजाओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अकबर ने कूटनीतिक रूप से समस्या से निपटा और जोधाबाई से विवाह किया, जो जयपुर के शक्तिशाली शासक मान सिंह की बहन थी। जोधाबाई का महल मुगल काल के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। यह मुगल काल में एकता का प्रतीक है। जोधाबाई का महल इंपीरियल हरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सभी सुविधाएं और सुरक्षा उपाय हैं। लेकिन तीनों रानियों के तीन कक्षों के डिजाइन के पीछे एक कहानी है। अकबर ने तीनों रानियों को उनके शाही कक्षों को उनके पसंद के अनुसार डिजाइन करने के लिए एक समान बजट रखा था। पहली दो रानियों अपने शाही कक्षों को सोने और चांदी के भारी कामों से सजाने के लिए चुना, लेकिन जोधाबाई ने लाल पत्थर और जटिल नक्काशी की साधारण राजपूती वास्तुकला को चुना। जोधाबाई का महल हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महल में गुजराती और राजस्थानी वास्तुशिल्प डिजाइने भी हैं। जैसे ही आप महल में प्रवेश करते हैं, आप इसकी विशालता को महसूस कर सकते हैं। यह नक्काशीदारी संरचना जोधाबाई की रसोई है। थोड़ा आगे अनूप तालाब है। यह एक चकोर आकार का पुल है, जिसके बीच में एक प्लेटफॉर्म है। मंच चार पुलों के माध्यम से आंगन से जुड़ा हुआ है। आगे है दीवाने खास। दीवाने खास में एक विशाल स्तंभ है, जिस पर बड़े पैमाने पर नक्काशी की गई है। अकबर द्वारा बनवाया गया पंच महल यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इस महल का उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। इन स्तंभों के बीच जाली थी, जो रानी और राजकुमारी को शीर्ष छतों पर ठंडी हवा का आनंद लेने और शानदार दृश्य को देखने के लिए पर्दा प्रदान करती थी। थोड़ा आगे आपको बीरबल का महल मिलेगा। बीरबल का महल यहाँ के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। यह राजा बीरबल का निवास स्थान था, जो अकबर के हिंदू प्रधानमंत्री थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।